दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसा ही न्यू बिजनेस लेकर आया हूं जो आप घर बैठे इतनी छोटी जगह से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, आपका रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, राइट। ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो प्रोडक्ट बनाकर रेडी कर देगा, आपको सिर्फ बटन के द्वारा मशीन ऑपरेट करना है और आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा और आप उसे मार्केट में सेल करने के लिए रेडी कर सकते हो। और बिजनेस करने के लिए जो मशीन बना है, इससे आप जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो और मार्केट में जब बेचते हो ना, वो बहुत ज्यादा मुनाफे में बिकता है। जी हाँ, इतने मुनाफे में बिकता है कि आप दिन का 5 से 10 हजार का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अभी आपको बहुत सारे लोगों को लगेगा ये फेंक रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वीडियो में प्रूफ करके बताऊंगा। इसमें से आप अलग अलग काम कर सकते हो, राइट। एक प्रोडक्ट नहीं, आप हजारों प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब अगर आपका मार्केट में एक नहीं चलता है, दूसरा लॉन्च कर सकते हो, तीसरा लॉन्च कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया या फिर देखना बंद कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देके कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो जो कि घर से शुरू हो सकती है। कि ये जो बिजनेस करने के लिए जो मशीन बनाई है ना, ये आज आप फर्स्ट टाइम देखने वाले हो पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। तो इसी नए बिजनेस की जानकारी लेने के लिए, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं मेरे शहर से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेलगांव शहर में। तो सर, ये क्या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे व्यूअर्स के लिए, वो जरा डिटेल में बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नम टेक्नोलॉजीज। हमारा कंपनी 1998 से शुरू हुआ है एंड ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से हम लोग इंडस्ट्री में है। हम लोग हमेशा रिसर्च करते ताकि कम बजट में कोई भी अपना इंडस्ट्री शुरू कर पाए एंड इवन छोटे जगह में भी हम इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। जैसे सिंगल फेज है, पावर नहीं है, वहाँ भी हम हमारा मशीन यूजफुल है। सबसे खास बात ये है, बिजनेस करने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल मशीन जो है फुली पेटेंटेड है, इंडिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे मशीन से आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, हर कोई प्लास्टिक छोटे छोटे पार्ट बना के बेच सकते हैं। जैसे किसी को पता नहीं होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए लाखों का लागत लगती है, इन्वेस्टमेंट लगता है। वही सेटअप हमने फुली ऑटोमेटिक वर्जन में कुछ हजारों में इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वही प्रोडक्टिविटी आप अपने जगह पे छोटे से स्केल में आराम से बना सकते हैं। आज के टाइम में किसी को भी प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाना है, बहुत बड़ा मशीन रहेगा, 3 फेज सप्लाई लेगा और स्किल्ड लेबर ही लगेगा उसको। हर कोई चला नहीं सकता है, एक्सपीरियंस पर्सन ही चला सकता है। हमारे मशीन में क्या है, विद इन 1 आवर 1 आवर कोई भी सीख के अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो बड़े मशीन में बनते हैं, सेम प्रोडक्ट इधर भी बनेगा ऑटोमेटिकली। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो ऐसा इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इसका पोटेंशियल है। इसमें खास बात यह है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम का कभी कमी नहीं रहती है। अलग अलग वेरायटी के प्रोडक्ट आप इससे बना के बेच पाओगे। मैं इतने सारे प्रोडक्ट आपको बना के दिखाऊंगा, उसका कभी वेरायटी का कमी नहीं है। और जिनको पता भी नहीं रहता कि ऐसे पार्ट रहते भी हैं, वो पार्ट जो है बहुत बिकते हैं मगर दिखते नहीं है। तो सर, जैसे आपने बताया कि हम लोग ये मशीन से हम लोग अलग अलग प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, तो क्या क्या बना सकते हैं, कौन से इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो जरा बताइए। इसमें देखो, कोई भी प्लास्टिक छोटा पार्ट जो होता है, मे बी कमर्शियल, मे बी इंडस्ट्रियल, मे बी टॉय हो सकता है या हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो सकता है, राइट फ्रॉम स्पून, कंघी, टॉयज हो सकते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का मैं लूँ, डेटा केबल हो सकता है, पावर केबल हो सकता है, 2 पिन 3 पिन केबल हो सकता है, वो सब बना सकते हैं। जैसे अगर खिलौने की बात करूँ टॉय सेगमेंट का, उसमें होता क्या है, जैसे किंडर जॉय जैसे कंपनी होता है, उसके पैक में छोटे छोटे प्लास्टिक टॉयज बेचते हैं, बच्चे उसी के अट्रैक्शन में वो चॉकलेट खरीदते हैं। वैसे सारे प्लास्टिक पार्ट्स जो चिप्स पैकेट में भी आजकल आते हैं या किंडर जॉय में आते हैं, ऐसे हर कोई छोटा टॉय बना सकते हैं आप, प्लास्टिक पार्ट बना सकते हैं और फ्रिगेट स्पिनर बना सकते हैं। आप अगर ऑटोमोबाइल का करें, ऑटोमोबाइल में इंजन कैप हो सकता है, एंड कैप हो सकता है, इंजन के छोटे भी पार्ट हो सकते हैं, लाइट्स होते हैं, सब कुछ आप इसी में बना सकते हैं। ये जो सेगमेंट है नेवर एंडिंग है, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिकल हो, टॉयज हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो कभी खत्म होने वाली बात ही नहीं है। तो दोस्तों आगे सर हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे कि कैसे आप एक ही मशीन से अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है वो कैसे बना सकते हो, मार्केट में उसे कैसे बेचना है, राइट, कहाँ कहाँ बिकता है और मेन जो चीज़ है प्रॉफिट कितना होगा वो भी सर हम आगे बताएंगे। इन्वेस्टमेंट जो कि कुछ हजारों में आप शुरू कर सकते हो वो कितने आने वाली है, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले हैं। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने। अभी हम लोग लाइव बना के दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का मशीन है, इसके बारे में आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। ये है कंट्रोलर और ये है ऑन ऑफ स्विच, ये और एक टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये मीटर्स है और इधर एक फैन है टू कीप द मशीन कूल। ये सिंगल फेज पावर से घर का जो करंट होता है उसी कैपेसिटी से ये चल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं सिंगल पिन प्लग है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है वो हमारा मोल्ड होती है।
मशीन के अलावा ये मोल्ड बस चेंज करके सेम मशीन में आप अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट का मोल्ड है, ये दूसरे प्रोडक्ट का मोल्ड है, ये तीसरे प्रोडक्ट का मोल्ड है, जैसे आप अलग अलग प्रोडक्ट आप इधर बना सकते हो। मशीन में एक प्लेस रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग जिग। इसमें आपको मोल्ड रखना होता है, मोल्ड रख के प्रोसेस करना होता है, जैसे बटन से आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। आप वही मोल्ड निकाल के दूसरा मोल्ड रख सकते हो ताकि आप दूसरे वेराइटी का प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सको। इस तरह आप बस मोल्ड चेंज करके हजारों तरीके के प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकते हो बस बाय चेंजिंग द मोल्ड। आप 50 ग्राम के अंदर जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट है आप बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। प्लास्टिक आइटम 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम, जो भी है, अप टू 50 ग्राम आप आराम से बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। पहले वाली एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, छोटा ग्राम का पार्ट बनाने के लिए भी आपको बड़ा मशीन लेना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम इस मशीन से सॉल्व हो जाएगा। छोटा मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं छोटे वेट के ही रहते हैं, वही सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट इधर इसी मशीन में फुली ऑटोमेटिक तरीके से बन जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ऐसे रॉ मटेरियल लगता है, इसको बोलते हैं ग्रैन्यूल या दाना, प्लास्टिक का दाना। इसको अभी हम लोगों ने रेड कलर प्रोडक्ट बना रहे हैं इसीलिए रेड लिया है। इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे अभी रेड है आपको येलो मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ट्रांसपेरेंट, जो चाहिए आपको मिलेगा, ब्लैक। इसमें भी हार्ड, सॉफ्ट, जो टाइप चाहिए और कलर चाहिए सब वैरायटी मिलता है। अपने प्रोडक्ट के अनुसार आप ये ग्रैन्यूल की क्वालिटी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो रॉ मटेरियल है ग्रैन्यूल्स, इसको ये हॉपर, ऊपर एक कंटेनर है, बॉक्स है, उसके अंदर डालेंगे, उसको हॉपर बोलते हैं, ऐसे डालना है उसको। जैसे आप देख सकते हैं हमने पूरा रॉ मटेरियल अंदर फिल कर दिया है, ये आपका पूरा दिन काम चलाएगा। जैसे हम अपना मशीन ऑन करेंगे ये फीडर से रॉ मटेरियल ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये फीडर से हमारा रॉ मटेरियल ग्रैन्यूल, प्लास्टिक ग्रैन्यूल फीड हो रहा है। जैसे ये भर गया, ये डाय है, ये तीन पार्ट में है, इसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करके इस पे बिठाना है, लैम्प करके ये स्विच दबाते ही हमारा प्लंजर नीचे चला जाएगा। ये सिलिंड्रिकल प्लंजर है आप ये नीचे चला जाएगा। अभी आप देखिए कैसे नीचे जा रहा है और प्रेशर से प्रेस कर रहा है। हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हीटर लगाया है तो हमारा प्लास्टिक ग्रैन्यूल लिक्विड बन जाएगा और वो जो लिक्विड प्लास्टिक है मोल्ड में प्रेशर से चला जाएगा। ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे आपका कुल्फी का जो साचा होता है, डाई होता है, उसमें आप उसका दूध का डालते हो वो शेप में बन जाता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, मोल्टन प्लास्टिक या जो प्लास्टिक पिघल जाता है वो पिघल के ये मोल्ड में चला जाता है, वो शेप में बन जाता है। उसके बाद हम मोल्ड को निकाल देंगे, मोल्ड से पार्ट रिमूव करेंगे, हमारा पार्ट बन जाएगा। इसको खोलना है, ये प्रोडक्ट रेडी है हमारा। उसके बाद हम ये अप बटन दबाएंगे जिससे हमारा ये सिलिंड्रिकल प्लंजर अप चला जाएगा और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। ये पूरा साइकिल ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आपको मोल्ड लगाना है, रॉ मटेरियल ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा और ये प्लंजर से बटन आप दबाने से प्लंजर डाउन आएगा, प्रेशराइज्ड नोजल से लिक्विड इंजेक्ट हो जाएगा और आपको बस मोल्ड निकालना है और अपना पार्ट रिमूव करना है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का साइकिल सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको मोल्ड अलग लगाना है ताकि वो पार्ट बने। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने जो प्रोडक्शन बना के रखा है ये प्रोडक्ट ऐसे बन के रेडी हो जाते हैं। तो सर ये क्या है, इसका मतलब डिमांड कहाँ पर रहता है, ये कौन सा यूज़? ये मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बुश है कोई मशीन का। ये जो पार्ट है हमारे कस्टमर को एक इंडस्ट्री का ऑर्डर मिला था, ये हमारे कस्टमर बना के इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, इसमें वो अच्छा खासा मुनाफा निकाल रहे हैं। इसी तरह आप ढेर सारा अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं बस मोल्ड चेंज करके। अभी हमने दूसरे वेराइटी का मोल्ड लिया है जिसमें हम अलग वेराइटी के प्लास्टिक पार्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है, यहाँ डाय लगाया, ये टाइट किया, अभी डाउन दबाया, अभी प्लंजर डाउन जा रहा है, मेल्टेड प्लास्टिक को प्रेस कर रहा है, पिचकारी की तरह मोल्ड में फिल हो रहा है, अभी फिल हो गए हैं, अभी अप प्रेस करेंगे, प्लंजर ऊपर जाएगा, बजर होने तक ऊपर पकड़ना है, जैसे बजर होगा छोड़ देना है। यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक फीडिंग हो रहा है, फीडिंग होने के बाद हमें इसको लूज़ करना है,
लूज करके डाई निकालना है। अभी हमारा मोल्ड भर गया है, ये देखिए। वाह, ये सब हमारे सेकंड वैरायटी का प्रोडक्ट भी रेडी हुआ है। ओके, तो सर ये क्या बना है? ये एक एंड कैप है, जैसे कि एक पोल हुआ या कोई पाइप हुआ, उसको एक उसका एंड करने के लिए, पैक करने के लिए यूज़ होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इसका रिक्वायरमेंट रहता है। और हम लोग कौन से टाइप के इंडस्ट्री को कवर कर सकते हैं, कौन से टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, उसका थोड़ा एग्जाम्पल्स दे दीजिए। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मेन्स कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेन्स कॉर्ड का मोल्डिंग, ये दोनों हमारे मशीन से बन जाएगा। आप यूएसबी केबल बना सकते हैं प्रिंटर के लिए, और कोई चीज़ के लिए टाइप बी टाइप ए जो भी होगा होता है। तो सर ये यूएसबी केबल कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, आपको एक कनेक्टर और बीच का केबल रेडीमेड रोल में मिलता है। 92 मीटर 100 मीटर का रोल में मिलता है आपको। वो रोल लेके ये कनेक्टर के साथ सोल्डर कर देना है। सोल्डरिंग मशीन भी हमारे पास मिलेगा, केबल का रॉ मटेरियल भी हमारे पास मिलेगा। ओके, वो सोल्डर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे मशीन में डाल के मोल्ड कर सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है ये मशीन से बनेगा, ब्लैक कलर का। ओके, ये दोनों हमारे मशीन से बनेंगे। दोनों अलग अलग भी बन सकते हैं, साथ में भी बन सकते हैं। तो इन वन शॉट आप पूरा केबल का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो आप सेम तरीके से टू पिन केबल भी देख सकते हैं। सिर्फ ये ऊपर वाला हम लोग मशीन से बना सकते हैं, बाकी सारे रेडीमेड मिल जाएगा। सारे केबल बन रहे, टाइप सी टाइप ए टाइप बी सब, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा सब। तो उसके अलावा आप अगर इंडस्ट्रियल पार्ट देखेंगे, ये हमारे पास एक वॉशर है, दूसरा प्रोडक्ट है एक गेयर है, ये भी रोबोट में इंडस्ट्री में टॉयज में काम आता है। ये इसका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, इसमें आप 2 रुपये का खर्चा करो 200 में बिकता है। एक रोबोट का व्हील है, ये भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ए मोल्ड के थ्रू आप ये बना सकते हो। इसको बोलते हैं गट्टू, प्लास्टिक का होता है। कील ठोकते वक्त, स्क्रू डालते वक्त दीवार में या और कहीं ये यूज़ आता है। तो ये बेसिकली ग्रिप का काम करता है। ये एट ए टाइम आप 10-10 भी बना सकते हैं हमारे मशीन से। छोटा सा गणपति जी है मेरे हाथ में, ये भी यही प्लास्टिक मशीन से बना हुआ है। आप जैसे चम्मच देख सकते हैं, ये भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। ये जितना कंज्यूम हो कमी है। समझिए आपको कोई बॉटल का ढक्कन बनाना है, जैसे सॉल्ट एंड पेपर का ढक्कन होता है, कोई केमिकल का होता है या कोई पाउडर का होता है, ऐसे आपको ऑर्डर आ गया, ये भी आप बना के दे सकते हैं आराम से। मेरे पास नेक्स्ट आइटम है, ये तो फैन का रेगुलेटर है या मशीन का नॉब है, जो भी है। ये भी छोटी छोटी कैप है, ये इंडस्ट्री में लगते रहते हैं। इसमें इनफाइनाइट अनगिनत वैरायटी के प्लास्टिक पार्ट्स प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग वगैरह मिल जाएगी ना, कैसे बनाना है सारा कुछ? हाँ सर, ट्रेनिंग हम पूरा दे देंगे। और ट्रेनिंग से ज़्यादा ये मशीन इतना सिंपल है कि कोई भी खुद 10 मिनट में सीख जाएगा। और सर अगर समझो मुझे कोई भी फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऑर्डर आता है, हाँ, कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, हाँ, मुझे बनाना, हाँ, है, तो उसका मोल्ड, किसी भी चीज़ का मोल्ड आप बनाकर भेज दोगे? हाँ, आप हमें बस एक तो डिज़ाइन दे दीजिए, नहीं तो सैंपल दे दीजिए, हम आपको मोल्ड भी बना के दे देंगे, उसका सारा रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेंगे मशीन के साथ। राइट, मार्केट में हम लोग यार प्रोडक्ट बना तो लेंगे, बट बेचेंगे तो वो प्रॉफिट कितना निकलता है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, वो ज़रा समझाइए। देखिए हमारे हिसाब से कम 2-10 हज़ार हर रोज़ का कमाई कर सकते हैं। हालांकि वो जो एग्जांपल होता है द अमाउंट का, वो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टाइप। अगर आप कॉमन प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे डेटा केबल हो का एग्जांपल ही मैं लूँ, दिन में आप 1000 प्रोडक्ट डेटा केबल बना सकते हैं। अच्छा। अगर बस 5 रुपये का भी आप मार्जिन पकड़ोगे, एक डेटा केबल बनाने का खर्च कितना आता है? 10-12 रुपये आता है। आप इसमें 20 रुपये भी बेचोगे, आपको कम से कम 5 रुपये का क्लियर प्रॉफिट है एक केबल पे। और आप दिन में कम से कम 1000 केबल बना सकते हैं। तो उसका हिसाब हुआ, कम से कम 5000 आप बना सकते हैं एक दिन में। अगर वही मैं इसमें जो रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक ग्रैन्यूल, उसका खर्चा बहुत कम रहता है। वो 1 kg में मतलब 100-200 रुपये में आप कम से कम 5000 का मटेरियल बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे एक कंघी का एक मैक्सिमम ग्राम होता है 10 ग्राम, वही आप इंडस्ट्रियल पार्ट लोगे या रोबोटिक पार्ट लोगे उसी 10 ग्राम का, दोनों में मार्जिन का बहुत फर्क होता है। एग्जांपल कंघी में आप कितना कमा पाओगे, 1-2 रुपये गुना फर्क सकते हैं। वही आप अगर रोबोटिक पार्ट या कोई कमर्शियल पार्ट बनाएंगे, कम से कम 50 रुपये का भी आप मार्जिन रख सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्जिन रहता है, सारे प्रोडक्ट डिफर होते हैं, वो कितना रेयर है, कितना यूनिक है, कितना इनोवेटिव है। तो जितना आपका प्रोडक्ट यूनिक है उतना आप ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं, जितना कॉमन है जैसे कोम्ब हो गया, कंघी, स्पून, थोड़ा कम रहेगा। तो सर हमारे व्यूअर्स ये बिजनेस करने के लिए मशीन तो अपने घर में सेटअप कर लेंगे, आपने बहुत इजी तरीके से बता दिया, ऑटोमेटिकली बैठे बैठे प्रोडक्ट बनाना होता है, बट मेन चीज़ यार मुझे काम कैसे मिलेगा मार्केट में, मतलब मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा या डिमांड कहाँ से आएगी, जो फर्स्ट इनिशियल जो मार्केट है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो ज़रा बताइए। रियल टाइम में
में लोकल मार्केट आप जा सकते हैं, डेटा केबल अगर बना रहे हैं या टू पिन थ्री पिन केबल बना रहे हैं लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं। आजकल कोई भी इंडस्ट्री हो उनको अलग अलग टाइप के प्लास्टिक पार्ट लगते ही लगते हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो काम पूरा आउटसोर्स करते हैं। वो आउटसोर्स काम आप लेके जॉब वर्क जैसे भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी है, ऑनलाइन भी आप खुद सेल्स कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा जो मार्केट में बिकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आप देख रहे एक एक व्हील का कॉस्ट है 400 रुपये, 399, 170 या 40-50 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। ये इसका अगर रॉ मटेरियल आप देखेंगे ये 10 रुपये का भी नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, मगर वो लोग बेच रहे 400 में। ये छोटा सा प्लास्टिक डब्बा जो है ये 129 रुपीज़ में बेच रहे, मगर ये बनाने का 2 रुपये भी नहीं लगता है। 2 रुपये भी नहीं लगता, नहीं कोई प्लास्टिक का कुछ नहीं। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आएगी रॉ मटेरियल सब कुछ मिला के? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप छोटे जो पार्ट होते हैं वो कैसे आप छोटे से इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं। बस वो छोटा पार्ट है छोटा मशीन चाहिए, बड़ा पार्ट है बड़ा मशीन चाहिए, उतना ही है। अगर मुझे 2-4 ग्राम का डेटा केबल ही बनाना है उसके लिए मुझे 2-4 लाख का मशीन खरीदने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। उसके बदले में छोटा मशीन लेके वो काम आराम से कर सकता हूँ। मशीन में दो टाइप है, दो कैपेसिटी, एक है 30 ग्राम का, अप टू 30 ग्राम का पार्ट बना सकते हो। दूसरा मशीन जो है वो 50 ग्राम का, 50 ग्राम, उसमें 50 ग्राम तक का पार्ट बना सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल हूँ 30 ग्राम का, 85,000 में आपको आसपास रॉ मटेरियल, सेटअप, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, जो भी है सब मिला के आपको मिल सकता है मशीन। तो आप 85,000 में आप अपना इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। अगर 50 ग्राम का एग्जाम्पल लूँ करीब 1,20,000 तक आपको आएगा वो अंदाज खर्च। एनीवे वो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होता है कितना दूर है या जो भी है, मैं एक रफ वैल्यू दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आपको भी ये इलेक्ट्रिक प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन लेकर अपना प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक बिजनेस करना है, बिजनेस शुरू करना है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर मार्केट बेचना है, तो सर के कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।